हेलो एवरीवन, दिस इज शालिनी एंड आपका स्वागत है हमारे चैनल मेट एजुकेशन में। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने सीटेट दिसंबर 2019 के पेपर वन एंड पेपर टू के काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कवर किया है। इस वीडियो में हम सीटेट 2019 दिसंबर का जो पेपर है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 81 to 90 को कवर करेंगे। आई होप आपके लिए वीडियो फ्रूटफुल रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी एन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइंस एजुकेशन एट द अपर प्राइमरी लेवल। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? फर्स्ट, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना। सेकेंड, इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, विज्ञान के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना। थर्ड, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। फोर्थ, एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। इन चारों में से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है साइंस एजुकेशन का एट अपर प्राइमरी लेवल, ये आपको बताना है। जल्दी से क्वेश्चन दोबारा पढ़िए और आंसर बताइए। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, एम्फेसाइजिंग द टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट्स, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तकीय परिभाषाओं पर बल देना। अपर प्राइमरी लेवल पर हम सोचते हैं कि बच्चा अपने तरीके से किसी चीज़ को कैसे डिफाइन कर पा रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन पावर क्या है, एक्सप्लेनेशन एबिलिटी क्या है, डिफाइन पावर या डिफाइनिंग एबिलिटी क्या है, उन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं, उसके एक्सप्रेशंस को देखते हैं। तो यहाँ पर केवल एम्फेसाइज करें जो बुक में दे रखा है, रट्टिफिकेशन वाली चीज़ें करें, वो हमारा अपर प्राइमरी लेवल पर साइंस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके अलावा जो तीनों दे रखे हैं, नर्चरिंग द नेचुरल क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है। जो भी बच्चों में प्राकृतिक जिज्ञासा है उसका पोषण करना, वो जिज्ञासा और बढ़े और उनको आंसर्स मिले, उनकी जो भी क्यूरियोसिटी है उसके, वो सही ऑब्जेक्टिव होता है। सेकेंड है इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंसर्न फॉर लाइफ, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। थर्ड क्या है, कल्टिवेटिंग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है एट अपर प्राइमरी लेवल। बस जो ऑब्जेक्टिव नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड साइंस टेक्स्ट बुक इन द क्लास, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक को पढ़ने के लिए कहना। सेकेंड, आस्किंग चिल्ड्रन टू रीड द एक्सटेंडेड लर्निंग गिवन एट द एंड ऑफ द टेक्स्ट बुक, बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ने के लिए कहना। थर्ड, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। फोर्थ, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बाय द टीचर, शिक्षक के द्वारा प्रयोग का प्रदर्शन करना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग अमंग चिल्ड्रन, इनमें से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है वो बताना है। जल्दी बताइए विच वन इज करेक्ट। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, आस्किंग चिल्ड्रन टू डिस्कस अमंग देमसेल्व्स इन ग्रुप्स फॉलोड बाय शेयरिंग इन लार्ज ग्रुप, बच्चों को समूह में आपस में चर्चा करना, पहले तो आपस में चर्चा करें, वो बात करें, उसके बाद में कोई भी उनका एक रिप्रेजेंटेटिव जो भी उनका कंक्लूजन निकल कर आया है वो पूरी क्लास को बताए। अगर ये वाली चीज़ें हो रही हैं तो वो समालोचनात्मक चिंतन या क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देंगे। क्यों? पहले तो उनकी बात को ही कट किया जाएगा उनके ग्रुप में, जो स्मॉल ग्रुप्स हैं, फिर उसके बाद में अगर वहाँ पर भी कुछ गलती रह जाती है तो उस बड़े ग्रुप में जब अपनी बात को वो साझा करेंगे तो वहाँ पर भी क्रिटिकली उसको एनालाइज किया जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें बताई जाएंगी। तो इसलिए जो उसका बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसी टाइप के अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए सीटेट से रिलेटेड, तो आप हमारी वेबसाइट meteducation.co.in पर लॉगिन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहां से जाके आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस MCQs मिल जाएंगे सीटेट, रेट एंड UPTET एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए और नेट के एग्जाम के लिए भी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अ टीचर बिगिंस द क्लास बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द केमिकल टेस्ट ऑफ स्टार्च इन अ गिवन सैंपल ऑफ फूड, द कॉग्निटिव प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंड वर्ड इन द अबव स्टेटमेंट इज, एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। क्या कर रहा है वो यहाँ पे, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है या प्रदर्शन कर रहा है? उपरोक्त कथन में रेखांकित शब्द यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन से संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है, उससे रिलेटेड जो कॉग्निटिव प्रोसेस है वो बताना है प्रदर्शन से रिलेटेड। फर्स्ट इज क्रिएटिंग, सर्जन करना। सेकेंड इज एनालाइजिंग, विश्लेषण करना। थर्ड इज अप्लाइंग, अनुप्रयोग करना।
फोर्थ इज अंडरस्टैंडिंग बोध करना. विच वन इज करेक्ट, जल्दी से बताइए. यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर थ्री, अप्लाइंग. वहां पर अगर डेमोन्स्ट्रेट करने को कर रहा है टीचर, तो वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है जो भी थ्योरम उसने क्लास में पढ़ा, मीथेन बनाना, गैस इथेन बनाना, या जो भी गैस, जो भी चीज उसने पढ़ी है, उस चीज को वो क्लास में करके दिखा रहा है. तो वो क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है जो भी चीज उस टीचर ने पढ़ी है या टेक्स्ट बुक में दे रखी है. ना कि वो एनालाइज कर रहा है, ना वो क्रिएट कर रहा कुछ भी नया, ना वो अंडरस्टैंड कर रहा है, वो केवल अप्लाई करके दिखा रहा है बच्चों को. इसलिए इसका जो रिलेटेड आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री. आई होप समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 84. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन. निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी. फर्स्ट, स्टेबलाइजिंग साइंस क्लब, विज्ञान क्लब की स्थापना. सेकेंड, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन. थर्ड, डेवलपिंग अ साइंस कॉर्नर, विज्ञान का कोना बनाना. फोर्थ, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास, कक्षा में व्याख्यान सुनना. इनमें से कौन सा जो है, विच वन, विच एक्टिविटी विल नॉट प्रोवाइड फॉर द एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, क्या नहीं करेगी वो बताना है. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, लिसनिंग टू अ लेक्चर इन क्लास. क्लास में किसी भी लेक्चर को या व्याख्यान को सुनना बच्चों में सक्रिय अधिगम या एक्टिव लर्निंग को प्रमोट नहीं करेगा. साइंस क्लब बना दिया, बच्चे आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो एक्टिव लर्निंग को प्रमोट कर रहे हैं. फील्ड ट्रिप पर जा रहे हैं तो एक्टिव लर्निंग हो रही है. साइंस कॉर्नर बना दिया तो भी एक्टिव लर्निंग हो रही है, वो चीज़ों को देख रहे हैं, आपस में डिस्कशन कर रहे हैं. बाकी तीनों चीज़ों में एक्टिव लर्निंग हो रही है, पर क्लास में अगर लेक्चर दे रहा है टीचर, तो वहाँ टीचर ही एक्टिव है बस, बच्चे एक्टिव नहीं है, तो इसलिए वहाँ पर एक्टिव लर्निंग नहीं हो रही है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप्स ऑफ लर्नर्स इन साइंस. विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है. ए, कॉन्सेप्ट मैप, अवधारणा मानचित्र. बी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वर्णन अभिलेख. सी, पोर्टफोलियो. डी, टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण. इनमें से किस किस के द्वारा कोई भी जो सीखने में कमी है उसको पता लगाया जा सकता है. एक तरीके से हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, और जो समेटिव है उसको आपको यहाँ से हटाना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा. जल्दी बताइए. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर थ्री, डेट इज ए बी सी. ए बी सी इसका करेक्ट आंसर है. कैसे, कॉन्सेप्ट में बच्चा बना रहा है तो भी पता चल जाएगा कि कहाँ गड़बड़ी हो रही है, क्या उसे समझ में नहीं आया, क्योंकि वो अपने आप से लिख रहा है. बी है एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, उसका जो वर्णन अभिलेख है उससे भी पता चल जाएगा कि बच्चे ने क्या क्या नहीं सीखा है अभी तक. एंड सी है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो में भी उसकी जो एबिलिटीज हैं, जो चीज़ें सीख चुका है, जो नहीं आता है वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा. पर जो टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, एंड टर्म जो अचीवमेंट टेस्ट हम ले रहे हैं, उससे उसकी कमियां पता चल जाएंगी, बट उनमें सुधार नहीं जा पाएगा. हम ना गैप्स आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पर हम उसके नंबर कम आए, उसने नहीं सीखा, ये पता चल जाएगा, पर कहाँ एग्जैक्टली गैप्स है वो हम आइडेंटिफाई उसके थ्रू नहीं कर सकते. इसलिए 85 का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थ्री. आई होप आपको समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86. विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज बेस्ड ऑन टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन. निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है. फर्स्ट, ओरल टेस्ट, मौखिक परीक्षण. बी, रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षण. सी, पेपर पेंसिल टेस्ट, कागज पेंसिल परीक्षण. एंड डी, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, वर्णन अभिलेख. इन चारों में से कौन सा आपको बताना है इज बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन. जल्दी से बताइए 86 का कौन सा करेक्ट आंसर होगा. इज द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स या वर्णन अभिलेख. जब हम कोई चीज देख रहे हैं उसको वर्णित कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड्स हम बना रहे हैं, तो वो हमारा ऑब्जर्वेशन टेस्ट है बेस्ड है. ओरल टेस्ट हमारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, रिटन टेस्ट भी हमारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड नहीं है, ना पेपर पेंसिल टेस्ट. इसलिए इसका ऑप्शन फोर इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 88. आइडेंटिफाई द एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स लिस्टेड बिलो. नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए. ए, लॉन्ग बैक बोन, लंबा मेरुदंड रीढ़. बी, मैनी मसल्स, बहुत सी मांसपेशियां. सी, बॉडी कर्व्स इंटू मैनी लूप्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक वलयों में मुड़ा. ये चारों तीन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, उसके बेसिस पे बताना है वो क्या है. इट इज अ स्नेक, सर्प और अर्थवर्म, कैचुआ है. थर्ड, स्नेल या घोंगा है. फोर्थ, हुकवर्म या अंकुश कृमि है. इन चारों में से कौन सा है, जल्दी से बताइए. दोबारा से पढ़िए क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आया. यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर वन, दैट इज स्नेक या सर्प. क्योंकि
क्योंकि बाकी सभी में, केचुए में कोई मेरुदंड नहीं होता, स्नेल में लंबा मेरुदंड नहीं होता, हुकवॉर्म में भी कोई मेरुदंड नहीं होता, तो इसलिए इसका फर्स्ट ऑप्शन हमारा जो सर्प या स्नेक है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नीचे दिया गया कौन सा कथन सही नहीं है। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, सभी धमनियां ऑक्सीजन स्मृत रक्त को ले जाती हैं। सेकेंड, ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हर्ट टू अदर पार्ट्स, सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। थर्ड, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स, धमनियों की भित्तियां मोटी होती हैं। फोर्थ, आर्टरीज हैव इलास्टिक वॉल्स, धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं, या जो मूव हो सके या कॉन्ट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट हो सके। तो जल्दी बताइए 89 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड, सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्धि रक्त को ले जाती हैं। ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। दैट इज ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम हर्ट टू अदर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग ऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन मिलानों के सही क्रम को निरूपित करता है। यहाँ एक लिस्ट दे रखी है जिसमें एसिड एसिड्स दे रखे हैं, दूसरा कुछ खाने पीने की चीज़ें दे रखी हैं, और बताना है कि कौन सा एसिड कौन सी चीज़ों में पाया जाता है। एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एंड जो ऑप्शन है वो हैं कर्ड, स्पेनिच, सिट्रस फ्रूट और विनेगर, दही, पालक, नींबू, वंशफल और सिरका। इनमें से कौन से मैचिंग सही है वो बतानी है। जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए, मैचिंग कीजिए और आंसर बताइए 90 का कौन सा करेक्ट होगा। यस, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए का फोर्थ। ए का फोर्थ क्या है? एसिटिक एसिड हमारा विनेगर में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है कर्ड या दही में, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है स्पिनिच या पालक में, एस्कॉर्बिक एसिड हमारा पाया जाता है सिट्रिक्स फ्रूट्स या नींबू वंश फलों में। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये सारे वीडियोस हमारे सीटेट से रिलेटेड थे। आप सभी को सीटेट एग्जाम के लिए ऑल दी बेस्ट, आपका एग्जाम अच्छा जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।